हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम स्वस्थ भोजन की आदतें, यानी कि वो भोजन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, यानी कि स्वस्थ भोजन, यानी कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ओके, चलिए पहला हमारे पास क्या है, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, मतलब वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि वॉश मतलब धोना, हैंड्स मतलब हाथ, हाथ को धोना, बिफोर मतलब पहले, ईटिंग मतलब खाना, यानी खाने से पहले हाथ को धोना। ओके, ये एक अच्छी आदतें हैं हमारे स्वस्थ भोजन के लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। ओके, इससे क्या होता है, हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स जो होता है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम जो भोजन खाएंगे अपने हाथों से वो एक फ्रेश फूड के रूप में हमारे अंदर डाइजेस्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है मेज पर खाना लगाने में सहायता करें। ओके, यानी कि हेल्प सिटिंग अप द टेबल। ओके, मतलब आपके घर में मेज पर जो खाना खाया जाता है, अगर उसमें आपके अम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन जो भी है वो सारा का सारा मिल करके एक दूसरे का मदद करके वो जो है उस पर टेबल पे बिछाएं, टेबल पे रखें, उसके बाद सब एक साथ खाना खाना शुरू करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, खाना आराम से चबा कर खाएँ, मीन्स च्यू। च्यू मतलब होता है चिबाना, च्यू बेल, बेल मतलब अच्छे से चिबाना, इट स्लोली एंड जेंटली, है ना, आराम आराम से अच्छे से भोजन को चिबाना। ओके, मतलब भोजन को आप अच्छे से चिबा कर खाएंगे तो वो जो पेट के अंदर जो डाइजेस्ट होगा आपका जो भोजन वो बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। ओके, क्योंकि पेट क्या है, आपका एक मशीन की तरह काम करता है, मशीन में जितना आप उसे कम प्रेशर आप दोगे उतना जल्दी वो काम करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, बर्तन धोकर रखें, मतलब जैसे ही आप बर्तन धो लिए, पहले इसका ये देख लेते हैं, इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, वॉश यूटेंसिल्स, वॉश यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन धोकर रखें, यानी कि बर्तन आपने खाया तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ देना है। आप बोलोगे कि हम बाद में धो ही लेते हैं, बट आप बाद में धोओगे तो आपके खाने के बाद जो उसमें थोड़ा बहुत आपका जो बचा हुआ रहता है खाना, उसमें बैक्टीरिया जो है और लग जाता है, उसके बाद जो आप साफ़ करोगे, साफ़ तो हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया आने के कारण आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जल्दी अच्छे से उसे साफ़ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया वो समाप्त नहीं होता है, फिर उसी प्लेट में दोबारा आप खाना खाओगे तो बैक्टीरिया फिर आपके पेट में चला जाएगा, जो कि आपके लिए आपके स्वस्थ शरीर के लिए, बॉडी के लिए हानि है। ओके, नेक्स्ट है खाना मुंह बंद करके खाएं, यानी च्यू। च्यू मतलब होता है चिबाना, है ना, खाना को चिबाना, च्यू विथ योर माउथ क्लोज्ड, यानी कि अपने मुंह को क्लोज्ड करके, बंद करके खाना को चिबाएं। ओके, इससे क्या होता है, जैसे आप खाना खुल, मतलब आप मुंह बंद करके नहीं चिबा रहे हो सकता है कि मुंह में आपके क्या चले जाए, मक्खी चले जाए, मच्छर चले जाए, या कोई भी कीड़ा, इंसेक्ट, या फिर गर्दा, जैसे आपका घर में बहुत सारी गर्दा, आपको आपके घर में काम भी हो रहा है, आप खाना भी खा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके मुंह में जो है डर्टी जो है वो चला जाएगा, गंदगी चला जाएगा, उससे क्या होगा आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, रात को सोने से पहले दांत साफ करें, यानी ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, मतलब खाने से पहले दांत को साफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो लास्ट में जो भोजन करते हैं, सबसे लास्ट में जो आप डिनर भोजन करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके जो भोजन है वो आपके दांत के अंदर कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं, जिससे कि उसमें कीटाणु जो है लगना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और कीटाणु लगने कारण आपके दांत के लिए हानि है, क्योंकि उसमें आपके दांत को क्या कर सकते हैं, जर्म्स वो आपके दांत को सड़ा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, खाना खाते समय सीधा बैठे, मतलब खाना खाते समय सीधा बैठे मीन्स सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, विल ईटिंग, विल मतलब के दौरान, है ना, खाना के दौरान, है ना, खाना के समय जो है आप सिट अप मतलब सीधा बैठे, स्ट्रेट मतलब सीधा, सिट अप मतलब बैठे, यानी सीधा बैठे, व्हील के दौरान, खाना के दौरान, है ना, सीधा बैठे।
है ना। अब खाना के दौरान सीधा इसलिए बोला जाता है बैठने के लिए क्योंकि डॉक्टरों का कहना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन में खाते हैं तो आपके अंदर जो भोजन जाता है बिल्कुल ही आसानी से चला जाता है। ओके, क्योंकि भोजन जो जाता है मुंह से जाता है आपके बड़ी आंत में फिर छोटी आंत में, है ना, इस तरह वो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो उससे क्या होता है आपके अंदर जो आपके जो आपके अंदर जो जितने भी फंक्शन बने हुए हैं वो स्ट्रेट लाइन में जब रहता है तो वो अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाना खाने के बाद रुमाल का उपयोग करें, खाना खाने के बाद रुमाल का ही उपयोग करें, यानी यूज नेपकिन। देखिए नेपकिन आफ्टर मील, यूज नेपकिन मतलब नेपकिन को मैं हैंडकरचिफ भी बोल सकते हैं क्योंकि रुमाल का स्पिनिंग हैंडकरचिफ भी होता है, तो यहाँ पे हम यूज नेपकिन के जगह हम हैंडकरचिफ भी बोल सकते हैं। तो यूज नेपकिन आफ्टर मील, मील मतलब हो गया आपका भोजन हो गया। ओके, मील मतलब क्या हो गया जी, भोजन हो गया। तो यानी कि खाना खाने के बाद रुमाल का उपयोग करें, इससे क्या होता है आपके हाथ में जो आपके हाथ, जैसे आपने खाना खाया अपने हाथ धोया तो भीगा हुआ जो हाथ रहता है, जो भीगा हुआ हाथ रहता है वो सूख जाता है। ओके, तो फिर आप जैसे नॉर्मली आप दिखते हैं आपका वैसे ही स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर आपका हाथ वैसा ही दिखता है, लगता ही नहीं कि आप खाना खा के उठें। ठीक है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छी आदत है ना, ये अच्छी आदत है, इसलिए हाथ को धो लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है खाना खाते समय बात ना करें, है ना, खाना खाते समय बात ना करें। डोंट टॉक अबाउट वेल ईटिंग, डोंट टॉक वेल ईटिंग, है ना, मतलब खाना के दौरान बात ना करें क्योंकि खाना को कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल ही उसकी उसके जो है टेस्ट ले लेकर खाएं। उससे क्या होता है जब आप खाना को खाते हो और उसका टेस्ट को महसूस करते हुए खाते हो तो आपके मुंह में जो है एक बहुत सारे ग्रंथि एक लार आते हैं, है ना, वो लार जो है खाना को पचाने में बहुत सहायता करते हैं। ओके, और आपके लिए बहुत ही क्या होते हैं आपके लार जो है वो खाना को पचाने में बहुत अपना योगदान देते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका जो खाना डाइजेस्ट जो होगा आपके पेट में जो पचेगा बिल्कुल ही आसान तरीके से और उसका बेनिफिट पूरा जो होना चाहिए आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है खाते पीते समय नाक सुरकने की आवाज़ ना करें, खाते पीते समय नाक सुरकने की आवाज़ ना करें। डोंट स्लर्प फूड और ड्रिंक, डोंट स्लर्प फूड और ड्रिंक, है ना, यानी कि आप पी रहे हो तो ऐसा नहीं कि यानी आवाज़ नहीं करना चाहिए, एकदम नॉर्मल में लगे ही नहीं कि अगला इंसान को कि ये क्या काम कर रहा है। जैसे आप पानी पी रहे हो तो एकदम आराम से एक गिलास पानी तीन सांस में आराम से पीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट की पूरा ले लीजिए, उससे क्या होता है आपके पेट में डायरेक्ट जो जाता है पानी एकाएक जाता है तो वो सही नहीं होता। इसीलिए जो है आप एक गिलास पानी तीन सांस में आराम आराम से पीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जंक फूड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। अब देखिए जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ, जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ। जंक फूड किसे बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो मम्मा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, क्या बोलते हैं आप बोलते हो हमें मैगी खाने का मन कर रहा है, यानी कि बाहर की चीज़ें जो कि आप रेडीमेड होता है सिर्फ तुरंत बनाना है, है ना, सिर्फ तो रेडीमेड बना हुआ रहता है, थोड़ा बहुत उसे जो है आपने आप जो गए किसी दुकान पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप वो जो है उसे बना दिया। ओके, उसे जंक फूड बोलते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए आपका हानि नुकसानदायक होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है खाने पीने की चीज़ें ना गिराएं, खाने पीने की चीज़ें ना गिराएं, यानी डोंट स्पिल फूड और ड्रिंक, यानी खाने पीने की चीज़ें को ना गिराएं। ओके, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की अहमियत देनी चाहिए क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होता है, अगर खाना पीना नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो इस प्रकार हम लोगों ने स्वास्थ्य भोजन की आदतें और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के साथ हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ हम लोगों ने समझा है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।